हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले एक और नया रेसिपी, और इस रेसिपी में हम मक्के से ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा सामान हमने रेडी कर लिया है। जैसे यहाँ पे आप मक्का देख सकते हैं, हरी मिर्ची, हरी धनिया, प्याज और टमाटर और कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही रेडी कर लिया है। अब हम इसको बना के दिखाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये बिल्कुल नया रेसिपी है, सुबह के नाश्ते में आप खा सकते हैं इसको। तो अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में तेल ऐड कर लेना है, और फिर तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। तो दोस्तों, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, और अभी हम इसमें जीरे की तड़का लगा रहे हैं। अब थोड़ी देर तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, जीरा और मेथी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। अभी हमने इसमें कड़ी पत्ता ऐड करा है। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और कुछ टाइम तक इसको भी फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो मक्का था, मक्के के सारे दाने को अभी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और फिर कुछ टाइम तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे सबसे पहले। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हरी मिर्च के छोटे छोटे पीस बना के हमने इसमें ऐड करा है। अब थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, और कुछ टाइम तक इसको फ्राई करना है। अभी कुछ टाइम के लिए हम इसको ढक के पका लेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसके ढक्कन निकाल रहे हैं, और ये देखिए काफ़ी हद तक जो है ये फ्राई हो चुका है। अभी कुछ टाइम में हमारा रेसिपी बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से। और ये जो रेसिपी है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है शरीर के लिए, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारे फ़ायदेमंद चीज़ डले हैं, जैसे मक्का हो गया है, धनिया पत्ता हो गया, नींबू अभी हमें इसमें ऐड कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करा है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी अपने घर पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सुबह के नाश्ते में या शाम को आप बना के खा सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में काट के हमने इसमें प्याज ऐड कर लिया है, और इसको अभी थोड़ा मिक्स करके कुछ टाइम तक हम इसे और फ्राई करेंगे। तो अभी देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है बनके जब तैयार हो गया है तो। और ये बिल्कुल नरम बना है, तो ये खाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसको खा सकते हैं।
तो अभी हमारा रेसिपी बन के तैयार हो गया, लास्ट का टाइम है। तो अभी हम इसमें छोटे छोटे पीसेस में धनिया काट के इसमें ऐड कर रहे हैं, ये बिल्कुल लास्ट में करना होता है। तो अभी सब्ज़ी बन गया, तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा रेसिपी तैयार है, अभी आप लोगों को एक फ़ाइनल लुक दिखा देते हैं कि कैसा ये बनके तैयार हुआ है। और खाने में तो ये टेस्टी लगता ही है, तो एक बार आप भी ज़रूर बनाना। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनके तैयार हो गया है, और ये अभी हम इसका पूरे मज़े लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास चला जाए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे।